शरीर में पानी की कमी की वजह से किडनी स्टोन बनने लगती हैं। किडनी स्टोन की वजह से तेज दर्द उठता है और यूरिन ट्रैक्ट्स डैमेज हो सकती हैं। किडनी स्टोन होने पर लोअर बैक हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलाने की समस्या भी होती है। किडनी स्टोन होने पर यूरिन के साथ ब्लड आता है। पेशाब करते समय दर्द महसूस होता है और बुखार जैसे लक्षण भी नजर आते हैं। ठंड के दिनों में हम पानी का सेवन कम करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि इस सीजन में किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आप ठंड के दिनों में पानी का सेवन कम करेंगे तो किडनी स्टोन बनने की आशंका बढ़ सकती है। पानी की मदद से सोडियम यूरिया और अपशिष्ट उत्पाद को यूरिन के फॉर्म में निकालने में मदद मिलती है। ज्यादा पानी पीने से यूरिन फॉर्म करने में मदद मिलती है। इससे इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया से बचने में मदद मिलती है। पानी की मदद से क्रॉनिक किडनी डिसीज को खत्म करने में मदद मिलती है। ज्यादातर लोग ठंड के दिनों में पानी का सेवन कम कर देते हैं और गर्म तरल पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इस वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है और किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो ऐसे में जानते हैं ठंड के दिनों में पानी की कमी से कैसे बचें। ठंड में पानी की कमी दूर करने के लिए गुनगुना पानी पिए। ठंड में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दूध का सेवन भी कर सकते हैं। दूध में विटामिन, प्रोटीन और कार्ब्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। शरीर को हाइड्रेटेड करने के लिए टमाटर का सेवन भी कर सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। ठंड में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए सब्जियों के सूप का सेवन भी कर सकते हैं। शरीर के हाइड्रेशन के लिए पालक को डाइट में शामिल करें। पालक में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।